बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह अपने दौर में एक टॉप एक्ट्रेस हुआ कर दी थी। उन्होंने अपने करियर के पीक पर पहुंचकर साल 1991 में सैफ अली खान से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी साल 2004 में खत्म हो गई, जिसके बाद अमृता ने अपने दोनों बच्चों यानी सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ अपनी अलग दुनिया बसाई। वहीं सैफ अली खान को करीना कपूर में अपना प्यार मिला और उन्होंने साल 2012 में उनसे शादी कर ली। सारा और इब्राहिम दोनों ही सैफ की दूसरी पत्नी करीना कपूर खान के साथ खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसी खबरें थी कि अमृता करीना के साथ अपने बच्चों की करीबी से खुश नहीं है, लेकिन अब इन अफवाहों को लेकर अमृता ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि मीडिया में ऐसी खबरें थी कि अमृता को यह पसंद नहीं कि सारा करीना की पार्टी में क्रॉप टॉप पहने अपने मिडरिफ को फ्लॉन्ट करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के करीबी सूत्रों ने कहा था कि अमृता को पसंद नहीं था कि सारा शॉर्ट टॉप में अपनी मिडिफ फ्लॉन्ट करे। सारा ज्यादातर लंबे कुर्ते और चूड़ीदार पहनती हैं। वो सारा को भी उसी तरह से तैयार करना पसंद करती हैं। अगर आप अवार्ड शो और इवेंट्स की सारा की पहले की तस्वीरें देखेंगे तो आप उन्हें लहंगे या कुर्ते में पाएंगे। उन्हें लगता है कि सारा अब अपनी सौतेली माँ बेबो से प्रभावित हो रही हैं। हालांकि अब इन बातों को लेकर अमृता सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे अपनी बेटी के कपड़े पहनने के तरीके से समस्या है और मैं करीना के साथ सारा का तालमेल से क्यों नाराज हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मुझे सारा और करीना के कनेक्शन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मैंने करीना की पार्टी में सारा की आउटफिट को पूरी तरह से मंजूरी दी थी। अमृता ने आगे कहा, वो मैं ही थी जिसे उसने उस शाम अपनी बेटी के लिए पूरी अलमारी एक खोल दी थी। मैंने अपने दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम को करीना के साथ शेफ की शादी के लिए तैयार किया था। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।